शनिवार को हुए आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दे दिया है बड़ा झटका और अपनी सेमीफाइनल्स में जगह बनाने की आस बढ़ा ली है। पाकिस्तान ने बेहतरीन रोमांचक मैच में अफगानिस्तान को 3 विकेट से हरा दिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 228 रनों का लक्ष्य दिया था। पाकिस्तान ने काफ़ी संघर्ष के बाद 49.3 ओवर्स में 7 विकेट खोकर इसे हासिल किया। पाकिस्तान के लिए वसीम ने मैच में जिताऊ पारी खेली, उन्होंने 49 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 54 गेंदों के सामने 5 चौके लगाए। उनके बाद बाबर आजम ने 45 और इमाम उल हक ने 36 रनों का योगदान दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तानी टीम ने पूरे 50 ओवर खेले और 9 विकेट खोकर 227 रन बनाए। उनके लिए असगर अफगान और जादर ने 42 और रहमत शाह ने 45 रनों का योगदान दिया। पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी ने 4 विकेट लिए और वहीं वसीम को 2 सफलताएँ मिली। शाहीन अफरीदी के डायरेक्शन में गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की। अगर अफगानिस्तान की बैटिंग की बात करें तो 200 का लक्ष्य तक भी पहुंचना काफ़ी मुश्किल लग रहा था, लेकिन उन्होंने 50 ओवर खेले और 9 विकेट खोकर 227 रन का टारगेट पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान के लिए राशिद खान और हमीद जल्द ही आउट हो गए और वहीं शनिवारी ने 19 रन, उसके बाद मुजीब उर रहमान 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।